हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल नॉन टेक टेक विथ हसन भाई में आपका स्वागत है। मैं सत्यनारायण, जनरल अवेयरनेस का ये लेक्चर 4 है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो यह हुई थी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये कब से कब तक थे? ये गवर्नर थे 1786 से 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं तो ये कौन थे? तो ये थे लॉर्ड रिपन, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है? 1911 में। किसके द्वारा किया गया था ये निर्माण? जो है ब्रिटिश किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। ठीक है, इसे जॉर्ज विवेट ने डिजाइन किया था। जॉर्ज विवेट ने इसे क्या किया था? डिजाइन किया था। और इसका जो सही आंसर क्या है? 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो हम आप सबको पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद कर लीजिएगा। बी इसका सही आंसर है। कब से कब तक थे? 1828 से 35 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? तो देखिए, इसमें नागपुर, झांसी व सतारा सबको ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, तो ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है तो किससे जुड़ा हुआ है? ये स्थाई बंदोबस्त से। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर, इसका ए आंसर सही होगा, ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था हमारा 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। बी इसका सही आंसर होगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका नाम था, वास्तविक नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग, तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हम पॉलिटी के अंदर इंटर कर गए हैं। देखिए, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो देखिए, हमारी फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट हमारा भाग 3 में लिखा हुआ है। और इसका जो सही आंसर है कि समान अवसर, जो सभी जाति धर्म के लोगों को समान अवसर मिलेगा, तो ये आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो देखिए, कौन सी विशेषता है? तो यह देखिए, संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी सही है, विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया, सब कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो यह किसमें की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। देखिए, यह भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल 17 में। ठीक है, छुआछूत वगैरह जो भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, धार्मिक एवं भाषी अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? तो देखिए, आपका कृषि, जेल तथा सिंचाई राज्य सूची में है,
सुरक्षा जो है आपका नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा, सुरक्षा। याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, यह उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया जाता है, तो यह किसे प्रदान किया जाता है आपको, सर्वोच्च न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, ए तथा बी दोनों ही, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्र सुनिश्चित करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का भाग चार बताता है, यह किसके बारे में बताता है, देखिए भाग चार में मैंने क्या बताया था, राज्य के नीति निर्देशक का, तो यह जिसे डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। जियोग्राफी के क्वेश्चन पे इंटर करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में, तो यह हमारा प्रशांत महासागर में है, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह कैस्पियन झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है, इसका बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा झील दुनिया का प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है, देखिए ताजे पानी की झील के बारे में पूछ रहा है, ये कौन सी है, लेक बैकाल, इसका सही आंसर क्या होगा, लेक बैकाल जो है सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया का सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, तो यह कौन सा है, लेक सुपीरियर, ए इसका सही आंसर होगा। विश्व के सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो है हमारी बैकाल झील, इसका आंसर बी सही होगा, बैकाल झील। तो फ्रेंड्स होप सो किया है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इसी टाइप से मैंने जनरल साइंस के भी दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।